हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो एक इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ इकोलॉजी की, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एन इकोसिस्टम इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एंड और हम कह सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज ए चैन ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जो इकोसिस्टम है, चैन ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज एन ओएसिस इन ए डेजर्ट। तो इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है कि जो ओएसिस इन डेजर्ट इतना छोटा हो सकता है एक तो, और एज बिग एज एन ओशियन या फिर ओशियन के बराबर बड़ा भी हो सकता है, स्पेनिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर टू टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इनको हम देख लेते हैं वन बाई वन। जो टेरिस्टल इकोसिस्टम को देखते हैं पहले, टेरिस्टल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस इकोसिस्टम। जो टेरिस्टल इकोसिस्टम होते हैं लैंड बेस इकोसिस्टम होते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरिस्टल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस जियोलॉजिकल जोन्स। एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स एंड दे आर नेचुरल टेरिस्टल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल टेरिस्टल इकोसिस्टम। तो नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या कौन कौन से आते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। और जो आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि फार्मलैंड हो गया एंड प्लांटेशन हो गया, ऑर्कियार्ड हो गया, एंड गार्डन्स हो गए, एंड पार्क हो गया। ये सब आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कंसिस्ट करता है सेवरल प्लांट्स एंड पर्टिकुलरली ट्रीज, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। एंड आर द मेजर कार्बन सिंक। और जो ये मेजर कार्बन सिंक भी होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वो। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो वेजिटेशन है वो मेनली डोमिनेटेड होती है बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल और सवाना ग्रासलैंड आर सम एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सवाना ग्रासलैंड है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं टंड्रा इकोसिस्टम। टंड्रा इकोसिस्टम आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट वेयर रेनफॉल इज स्केयर एंड दीज आर कवर्ड विद स्नो। ये स्नो से कवर होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। एंड टंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज फाउंड इन द आर्कटिक और माउंटेन टॉप्स। जो टंड्रा टाइप इकोसिस्टम है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो आर्कटिक में और या फिर माउंटेन्स के टॉप पे। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। डेजर्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दीज आर द रीजन्स वेयर द लिटिल रेनफॉल एंड स्केयर्स वेजिटेशन। एंड जो डेजर्ट में जो डेज है वो हॉट होते हैं बहुत ज़्यादा एंड जो नाइट्स होती है वो कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कूल होती है नाइट्स डेजर्ट में। अब बात कर लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन ए बॉडी ऑफ वाटर। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं कि जो कि पानी में जो इकोसिस्टम होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम। एंड देयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स एंड दे आर एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम और एक्वेटिक
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन से आते हैं? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में स्ट्रीम, रिवर, लेक। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में क्या? एस्चुरी, जहाँ पे जो रिवर है वो सी से जाके मिलती है, तो उस जगह को बोलते हैं हम एस्चुरी। एंड लेक जैसे कि चिल्का। एंड सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर में हो गया सी, ओशियन एंड ओपन सी। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है कि जो फ्रेश वाटर है वो या उसमें एक्वा कल्चर, पॉन्ड्स, इरीगेशन कैनल्स, डैम्स। एंड ब्रैकिश वाटर में क्या आता है? श्रिम फार्म। एंड सॉल्ट वाटर में आता है सॉल्ट पैन। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।